दोस्तों, आपने वॉल्वो कार कंपनी का नाम तो सुना ही होगा, और अगर नहीं सुना तो चलिए मैं बताता हूँ आपको इस कार कंपनी के बारे में। ये एक स्वदेशी कार कंपनी है जिसने अपनी भारत में शुरुआत 1996 से करी थी, और अब ये अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार को भी भारत में लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसका नाम वॉल्वो XC40 रिचार्ज है। और वॉल्वो इंडिया का कहना है कि इस कार की लॉन्च डेट जुलाई में ही होने वाली है। और इसके बारे में एक मज़ेदार बात बताता हूँ आपको कि ये कार इंडिया में ही असेंबल होगी। ये कार आपको एक कॉम्पैक्ट SUV के रूप में दिखने वाली है। इसमें एक आपको बड़ी 78 किलोवाट की लिथियम बैटरी भी मिलेगी, जो एक सिंगल चार्ज पे 418 किलोमीटर तक की रेंज दे सकती है। तो अगर आप लोग नई कार लेने की सोच रहे हैं तो थोड़ा सा और रुक जाइए, क्योंकि इस कार की डिलीवरी अगस्त से ही शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही वॉल्वो का यह भी कहना है कि ये कंपनी 2030 तक पूरी एक इलेक्ट्रिक कार कंपनी में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। और अगर इस कार की हम प्राइसिंग की बात करें तो एक्सपेक्टेड प्राइस इसके हैं 74 से 75 लाख रुपये। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।